नमस्कार दोस्तों, ये है गुरु महाराज जी के आश्रम जो ध्वनि है, इस ध्वनि में प्रणाम किया जाता है और जो भी अपना मनोकामना रहती है उस मनोकामना को पूर्ण किया जाता है, उसी के लिए ये ध्वनि बना हुआ है। जो जो भी अपने अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस ध्वनि पे आते हैं और इधर ही प्रणाम करके विभूति का लेपन करते हैं, टीका पे माथे भी लगाते हैं। और आइए हम आप लोग को बाहर से भी दिखा देते हैं ध्वनि का नज़ारा कैसे दिख रहा है बाहर से। यहाँ साधु संत लोग रहते हैं आगे, और ये ध्वनि है। ऐसे बढ़िया बनाए, और जो बाउंड्री जो दिख रहा है आगे उसमें सिर्फ गीता का सब कुछ लिखा हुआ है, जो आप लोग कभी भी आके गीता का पढ़ सकते हो, उस बाउंड्री में लिखा हुआ गीता का पढ़ सकते हो। और ये बाहर से ध्वनि का जो नज़ारा, वो अंधेरा होने से इसका लीची लगा हुआ है पूरा एकदम, लीची एकदम लाल कलर, नीला कलर, हर कलर का लीची जलता है, जो बल्ब जो एकदम शो के लिए। और ये बारिश अंदर घुस रहा था, तभी उससे बचाव करने के लिए ये सत्संग हॉल के अंदर ये सब घिरा हुआ है बारिश के लिए। और पहले गुरु महाराज जी इसमें बैठते थे, और अभी अंदर उधर आश्रम हो गया तो इधर फिलहाल भक्त लोग बैठते हैं। और यहीं से देख लीजिए गुरु महाराज जी की जो आश्रम है, जो धुना है, उस धुना इधर से भी और मनोहर और एकदम सुंदर और आश्चर्यजनक, बहुत सुंदर इधर से लग रहा है। ये आश्रम है आगे, और ये सत्संग हॉल है, इसको ढका हुआ है लेकिन इधर से पूरा एकदम ओपन है, पूरा कम से कम 50 ठे फैन लगा हुआ है, और इसके ऊपर भी है। ये सब हॉल है, गुरु महाराज जी यहाँ रहते हैं, और आगे भी है साधु संत जो रहते हैं यहाँ। आने से दोस्तों एक बात बोलूँ तो आप लोग को ये एकदम आश्चर्यचकित होने वाला बात है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है, उस शरीर इसलिए मिला है कि साधु संत का दर्शन करिए, भक्त साधु संत का मिलन, संग सत्संग, यही ही जीवन का सार है, बाकी कुछ भी सार नहीं है। क्योंकि सिर्फ ये पेट के लिए करना पड़ता है, लेकिन ये जो कुछ भी है, पहले भजन चिंतन, उसके बाद में सब कुछ। जब भजन चिंतन और जब तक जिंदा ही नहीं रहोगे तो कहाँ से पेट के लिए दौड़ोगे। जिंदा इसलिए रहना पड़ता है, इसीलिए रहना चाहिए कि प्रभु हम लोग को जिंदा रखे, ऐसे करके कामना रखना चाहिए। जब जिंदा रहेंगे तो ही सारा काम कर पाएंगे, मर जाएंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए पहले साधु संत, पहले भक्त बनो, पहले भक्ति करो, उसके बाद में सब कुछ। और आप देख लीजिए फिर ये भक्तगण सब आ रहे हैं धुना से प्रणाम करने के लिए सब। ये देखिए किस प्रकार इधर से प्रणाम करके जाना पड़ता है अंदर, और उधर से ही प्रणाम करके उधर अंदर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए धुना और विभूति लगाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इधर बहुत भीड़ रहता है, जो गुरु पूर्णिमा को भीड़ रहता है, अभी तो उतना भीड़ नहीं है, बल्कि गुरु पूर्णिमा में बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत भीड़ होता है। सो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इस आश्रम पे, बॉटरे आश्रम महाराष्ट्र पालघर में एकदम आइए, और इधर से एक बार सत्संग सुन के महाप्रसाद का ग्रहण करके जाइए, ताकि आपके भी मनोकामना पूर्ण हो सके। सो इस वीडियो में आज इतना ही है। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो पहले आपके तरफ पहुंच जाए, आपके मोबाइल में आ जाए नोटिफिकेशन। जय श्री राम।